सो द नेम ऑफ द चैप्टर दैट वी आर डिस्कसिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम. तो सबसे पहले हम लोगों को जानना चाहिए व्हाट इज एन एटॉम. व्हाट इज एन एटॉम. सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज एन एटॉम, तो एटॉम का डेफिनेशन हम लोगों ने बहुत बार अलग अलग चैप्टर में डिस्कस किया है. सो व्हाट इज एन एटॉम. एन एटॉम is the smallest particle. An atom is the smallest particle of an element. An atom is the smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction and which does not have a free existence. लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि देयर इज एक्सेप्शन हियर. एटॉम्स ऑफ इनर्ट गैसेस हैव फ्री एग्जिस्टेंस. एटॉम्स ऑफ इनर्ट गैसेस हैव फ्री एग्जिस्टेंस. तो अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज एन एटॉम, an atom is the smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction and which does not have a free existence. Lekin hum log sab jante hain ki atoms of inert gases have free existence. If I ask you what another term is used for inert gases, Sonam Mishra ne sabse fast answer diya hai. Inert gases are also called noble gases. Okay, they are also called what? Noble gases. So atom ka definition aapko apna dimag mein set rakhna hai, aur atom ko bola jata hai, they are also called what? Building blocks of matter. Atoms are also called building blocks of matter. Aur agar ek typical atom ke bare mein baat kare hum log, to uska central portion को क्या बोलेंगे हम लोग. व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर द सेंट्रल पोर्शन ऑफ एन एटॉम. एनीवन? ओके, हिमांशु सिंघानिया सबसे फास्ट है इस बार. एंड दिस सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस. इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस. एंड दिस न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, प्रोटोन्स एंड न्यूट्रॉन्स. और ये प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दे आर ऑर्बिटिंग राउंड, सॉरी, दीज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑर्बिटिंग राउंड द न्यूक्लियस. दे आर ऑर्बिटिंग राउंड द न्यूक्लियस. एक एटॉम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, एक एटॉम में नंबर ऑफ प्रोटॉन is always equal to the number of electrons. Number of proton is always equal to the number of electrons. तो यहाँ पे हम लोगों ने basically क्या discuss किया atom के बारे में, क्योंकि ये पूरा जो chapter है atom से ही related है. We have discussed what is an atom. An atom is the smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction and which does not have a free existence except the atoms of noble gases, inert gases, which have free existence. They can exist in monoatomic state. Agar aapko pucha jaye, what is the atomicity of noble gases? What should be your answer, or what is your answer? It is Sivankar Das ne sabse fast answer diya is bar, and it is 1. Atomicity of noble gases is 1.
सो एटॉम का सेंट्रल पार्ट को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस, जिसमें दो टाइप का पार्टिकल है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, अगर आपको पूछा जाए कि नेम द थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन एटॉम, नेम द थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन एटॉम, तो उसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये आपको सभी एटॉम में मिलेगा। ओके, सभी एटॉम में आपको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। लेकिन मुझे यहां भी एक एक्सेप्शन पता है। आप एक ऐसा एटॉम का नाम बता सकते हैं जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? डू यू नो दैट, एक ऐसा एटॉम जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। जय शर्मा ने पूछा कि what is the another name of inert gases? Inert gases are also called noble gases. They are also called what? Noble gases. So एक ऐसा एटॉम जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, उसका आंसर कोई बताएगा? ऋषि बजाज ने आंसर दिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का तीन आइसोटॉप होता है, H11, H12 and H13। तो इसमें से जो फर्स्ट आइसोटोप है, इसी को ऑर्डिनरी हाइड्रोजन बोला जाता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन है, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज जीरो। सो आई होप यू हैव नोटेड डाउन डेफिनेशन ऑफ द टर्म एटॉम, एंड आई एम मूविंग टू अनदर स्क्रीन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उनका नेचर ऑफ चार्ज एंड अमाउंट ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले मैं अगर बात करता हूं अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, आपको अगर पूछा जाए व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एनीवन हु नोज दैट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? हिमांशु सिंघानिया ने सबसे फास्ट आंसर दिया है, एंड द आंसर इज कूलॉम। एंड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपको जानना है दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। जस्ट वेट, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल है, इसका चार्ज है -1.6 into 10 to the power -19 कूलॉम, डिनोटेड बाय कैपिटल टी, कैपिटल सी, CoulomB इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज, डिनोटेड बाय कैपिटल सी। सो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, एंड चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 into 10 to the power -19 कूलॉम। अबाउट प्रोटॉन्स अगर बात करें हम लोग, तो आप लोग जानते ही हो कि प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर इक्वल बट दे आर ऑपोजिट इन नेचर। तो प्रोटॉन का चार्ज, एक प्रोटॉन का चार्ज है +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम। और न्यूट्रॉन्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स, दे आर न्यूट्रल पार्टिकल्स, न्यूट्रल पार्टिकल, उनमें कोई चार्ज नहीं होता। ओके, सो वी डिस्कस्ड अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड अबाउट देयर नेचर ऑफ चार्ज एंड अमाउंट ऑफ चार्ज। अगर आपको पूछा जाए हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसके साथ एसोसिएटेड है, आंसर इज जे जे थॉमसन इन द ईयर 1897। देन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इसको लेके थोड़ा कंट्रोवर्सी है। क्यों कंट्रोवर्सी है वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अगर आपको पूछा जाए हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन्स, तो आपका आंसर होना चाहिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड, RUTHERFORD, एंड इन द ईयर 1911।
Then if it is asked, who discovered neutron? Who discovered neutron? The answer is James Chadwick. James Chadwick, he discovered neutron in the year 1932. तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन उसके बाद डिस्कवर हुआ, और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी बहुत लेट है, 1932। और उसका एक रीजन ये है, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल जो आराम से, जो इजीली डिटेक्ट नहीं हुआ था एक स्पेशल ट्यूब में, जहां प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था, और उस ट्यूब को बोला जाता है डिस्चार्ज ट्यूब, that is called what, discharge tube. तो न्यूट्रॉन का न्यूट्रल नेचर की वजह से उस ट्यूब में डिटेक्ट नहीं हुआ था, एंड देयर बाय न्यूट्रॉन्स का डिस्कवरी लेट है. सो इफ आई आस्क यू, इलेक्ट्रॉन्स आर दे पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, तो आंसर है नेगेटिवली चार्ज. और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. प्रोटॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम प्लस में, न्यूट्रॉन्स दे आर न्यूट्रल पार्टिकल्स. लेकिन मैंने बोला था कि प्रोटॉन का डिस्कवरी को लेके थोड़ा सा कंट्रोवर्सी रहता है. कहीं कहीं पे ऐसा लिखा हुआ आपको मिलेगा कि प्रोटॉन्स आर डिस्कवर्ड बाय यूजेन गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन, ई यू जी ई एन जी ओ एल डी एस टी ई आई एन. लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि यूजेन गोल्डस्टीन 1886 में ही डिस्कवर्ड प्रेजेंस ऑफ सम रेडिएशंस. वो ऐसा गैस डिस्चार्ज ट्यूब में, इस तरह का डिस्चार्ज ट्यूब में ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था कि कुछ अलग टाइप का रेडिएशन, ठीक है. और ये जो अलग टाइप का रेडिएशन था उनको उन्होंने नाम दिया कैनल रेज. और यही रेज बाद में पता चला, दीज रेज कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटॉन्स. इन रेज में जो पार्टिकल्स है, दैट पार्टिकल्स आर प्रोटॉन्स. सो इवन इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी के पहले ही यूजेन गोल्डस्टीन को इन रेज के बारे में पता चल गया था. सो बहुत लोग प्रोटॉन का डिस्कवरी को एसोसिएट करते हैं यूजेन गोल्डस्टीन के साथ. लेकिन आपका बुक में आपको फॉलो करना है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. अगर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन द ईयर 1911. सो आई होप यू हैव नोटेड डाउन एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रीन. सब कुछ लिखा आप लोगों ने? ओके, सो आई एम मूविंग टू अनदर स्क्रीन. मजा आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सब कुछ? थोड़ा साथ साथ में लर्न भी करते रहना आपको. लास्ट में क्वेश्चन राउंड होगा, उसके लिए रेडी रहना है. आई एम मूविंग टू अनदर स्क्रीन. और अब हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में. फर्स्ट वन, एटॉमिक नंबर, जो अदर चैप्टर में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. इसका सिंबल है जेड. अब एटॉमिक नंबर किसका नंबर होता है? अगर आपको पूछा जाए एटॉमिक नंबर किसका नंबर होता है, इफ आई आस्क यू. गुड, सोनम मिश्रा ने सबसे फास्ट आंसर दिया है. एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटॉम. एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटॉम. तो फिर मास नंबर क्या चीज है? मास नंबर डिनोटेड बाय सिंबल ए. मास नंबर क्या होता है अगर आपको पूछा जाए? हिमांशु सिंघानिया ने सबसे फास्ट आंसर दिया, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. देन सोनम मिश्रा, ओके. सो मास नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ, इज वी कैन से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टुगेदर कॉल व्हाट? मास नंबर, व्हिच इज डिनोटेड बाय सिंबल ए. एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय सिंबल जेड.
तो प्रोटॉन का नंबर को एटॉमिक नंबर, मास नंबर हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। लेकिन ऐसा ही कंफ्यूजिंग टर्म किसी किसी को लगता है, न्यूक्लियॉन्स अगर पूछा जाए आपको, व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स? न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है द पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटॉम, इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटॉम। तो इनको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियॉन्स। तो अगर आपको पूछा जाए विच पार्टिकल्स आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स, अगर आपको पूछा जाए विच पार्टिकल्स आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स, हिमांशु सिंघानिया ने सबसे फास्ट आंसर दिया है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर टुगेदर कॉल्ड, they are together called nucleons. So हम लोगों ने डिस्कस किया what is atomic number, what is mass number, what are nucleons, okay? And you just note down everything here. तो आपको अगर पूछा जाए जो अभी तक का डिस्कशन में who discovered electron, क्या आंसर होगा? If I ask you who discovered electron, हिमांशु सिंघानिया सबसे फास्ट है, देन शिवांकर, निहार, उत्सव, अस्मिता, ऋषि, आंसर है जे थॉमसन, राजा ने भी आंसर दिया, देन अनामिका, जे थॉमसन। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम्ब। ओके, बहुतों ने आंसर दिया, बहुत फास्ट आंसर दिया है। ठीक है, एक अलग क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपको, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कौन आंसर दे सकता है? चार्ज का तो कूलम्ब है, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है? अनामिका, योर आंसर इज रॉन्ग, पूरब का आंसर भी रॉन्ग है, एंड सोनम मिश्रा का आंसर करेक्ट है यहाँ पे। एंड इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट होता है एम्पियर, इट इज व्हाट, एम्पियर, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ओके, सो एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियॉन्स, द पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटॉम आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर टुगेदर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। ओके, सो हैव यू नोटेड डाउन एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रीन, जस्ट रेज योर हैंड फॉर कंफर्मेशन। ओके, I'm moving to another screen. अब हम लोग तीन और important terms के बारे में discuss करेंगे. First one, isotopes. Second one, isobars. Third one, isotones. Isotopes, isobars and isotones. तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे C6-12 and C6-14 और आपको अगर मैं पूछूँ they are the atoms of same element or different element, they are the atoms of same element or different element, हिमांशु, सोनम और उत्सव, शिभांकर, प्रज्ञा, अनामिका, युवराज ने सबने फास्ट आंसर दिया है। सिंबल से पता चलता है दे आर द एटॉम्स ऑफ सेम एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, दे आर द एटॉम्स ऑफ विच एलिमेंट, इफ आई आस्क यू दे आर द एटॉम्स ऑफ विच एलिमेंट, कार्बन। ओके, हिमांशु ने सबसे फास्ट आंसर दिया है, दे आर द एटॉम्स ऑफ विच एलिमेंट, कार्बन। सो आइसोटोप्स आर द एटॉम्स ऑफ सेम एलिमेंट। अगर मैं आपको पूछूं इनका लोअर नंबर को क्या बोला जाता है, नीचे जो नंबर दिया वो क्या नंबर है, नीचे की तरफ जो नंबर दिया हुआ है सबस्क्रिप्ट में लेफ्ट में, ये कौन सा नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है। हिमांशु, सोनम और युवराज ने आंसर दिया है, दिस नंबर इज कॉल्ड व्हाट, एटॉमिक नंबर। और यहाँ जो अपर केस में सुपरस्क्रिप्ट में जो नंबर दिया हुआ है दैट इज व्हाट,
मास नंबर। तो अब अगर आपको पूछा जाए आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोप्स आर द एटॉम्स, दे आर द एटॉम्स ऑफ एन एलिमेंट, दे आर द एटॉम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर। या फिर आप और छोटा कर सकते हो डेफिनेशन, आइसोटोप्स आर द एटॉम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर, एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा बिकॉज दे आर द एटॉम्स ऑफ सेम एलिमेंट, दे आर आइसोटोप्स। नाउ आइसोबार्स, अगर मैं एग्जांपल देता हूं आप इजीली समझ जाओगे, आर्गन एंड कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर दोनों का सेम हो सकता है। सो ये दो है आइसोबार्स। तो आइसोबार्स का डेफिनेशन या डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग आइसोबार्स को, दे आर द एटॉम्स, दे आर द एटॉम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, दे आर द एटॉम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर, दे आर द एटॉम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर। इन्हीं को क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोबार्स। ओके, देन आइसोटोन्स क्या है फिर, अगर आपको पूछा जाए आइसोटोन्स क्या है तो एग्जाम्पल देखना आप, थोड़ा समझ में आएगा आपको। बोरोन एटॉमिक नंबर 5, मास नंबर 12, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 13। ये दोनों एटॉम्स ऑफ सेम एलिमेंट है या डिफरेंट एलिमेंट, दे आर द एटॉम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट, दे आर द एटॉम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ओके, इनका एटॉमिक नंबर भी अलग है और मास नंबर भी अलग है। तो अगर मैं आपको पूछता हूं इनमें क्या चीज सेम है, क्या सिमिलर है उनमें या सेम है, सोनम मिश्रा ने आंसर दिया है, इट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है। तो आपको अगर पूछा जाए आइसोटोन्स क्या होता है, व्हाट आर आइसोटोन्स, आइसोटोन्स आर द एटॉम्स, एटॉम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, दे आर द एटॉम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो आपको अगर पूछा जाए व्हाट आर आइसोटोप्स, व्हाट आर आइसोबार्स, व्हाट आर आइसोटोन्स, शायद आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। इफ आई आस्क यू आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोटोप्स में सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, आइसोबार्स में सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, आइसोटोन्स में डिफरेंट एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर बट सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सॉरी सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। हैव यू अंडरस्टूड एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रीन, सब कुछ समझ में आ गया, बस क्लास करके आपको जो मटेरियल मिला है उसमें पेज नंबर 1 और 2 आपको आज या कल के अंदर पढ़ लेना होगा, तब तो चैप्टर आपका दिमाग में सेट हो जाएगा, आज का क्लास भी अच्छा से और रिवीजन हो जाएगा आपका। सो हैव यू अंडरस्टूड द 3 टर्म्स, आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। ओके, तो आपको अगर पूछा जाए एक क्वेश्चन यहाँ पे अब तक का डिस्कशन से रिलेटेड, हु डिस्कवर्ड कैनल रेज, हु डिस्कवर्ड कैनल रेज,
अगर आपको पूछा जाए हु डिस्कवर्ड कैनल रेज, हिमांशु सिंघानिया, देन पूरब, अनामिका, निहार, ऋषि बजाज ने सबसे फास्ट आंसर दिया है, ई गोल्डस्टीन और यूजेन गोल्डस्टीन। ओके, यूजेन गोल्डस्टीन। तो आपको अगर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि किसी एटॉम में प्रोटॉन का नंबर को क्या बोला जाता है, किसी एटॉम में प्रोटॉन का नंबर को क्या बोला जाता है? गुड, हिमांशु, ऋषि, सोनम, पूरब और बहुतों ने आंसर दिया है एटॉमिक नंबर। दिस नंबर इज कॉल्ड व्हाट? एटॉमिक नंबर। तो हम लोग अपना डिस्कशन कंटिन्यू रखते हैं एंड आई होप यू हैव नोटेड डाउन दीज मीनिंग ऑफ दीज थ्री टर्म्स विद एग्जांपल्स। आई एम मूविंग टू अनदर स्क्रीन। ओके, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट आयंस। हम लोग सबको पता है कि एटॉम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटॉम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, हम लोग ये जानते हैं। एटॉम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है? व्हाई आर एटॉम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? अगर आपको पूछा जाए व्हाई आर एटॉम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उसका मेन रीजन है कि एक एटॉम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यू नो दैट प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, और उनका अमाउंट ऑफ चार्ज भी सेम है, उनका अमाउंट ऑफ चार्ज भी सेम है। सो एटॉम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड बिकॉज ऑफ दैट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का अमाउंट इक्वल है एंड देयर बाय एटॉम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो अगर आप, मैं यहां पे एक सिंबल लिखता हूं Na, Na का एटॉमिक नंबर, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो एटॉमिक नंबर 11 है इसीलिए सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आल्सो 11। एक एटॉम में कौन सा दो पार्टिकल्स का नंबर ऑलवेज इक्वल होगा? प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। सो सोडियम, अगर सोडियम एटॉम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, इट विल फॉर्म Na प्लस, पॉजिटिव आयन। कौन हमको बताएगा? पॉजिटिव आयन्स आर आल्सो कॉल्ड व्हाट? अनदर टर्म फॉर पॉजिटिव आयन्स, पॉजिटिव आयन्स आर आल्सो कॉल्ड कैटायन। शिवांकर, हिमांशु, युवराज, युवराज का आंसर रॉन्ग है, सॉरी, बाकी सबका करेक्ट है, संचित, सुजॉय, कैटायन्स। तो सोडियम एटॉम में प्रोटोन का नंबर 11 था, इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 11, लेकिन सोडियम आयन बनने के बाद प्रोटॉन का नंबर तो 11 लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर हो गया 10। एक प्रोटॉन ज्यादा, एक प्रोटॉन का चार्ज को हम लोग 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी लेते हैं, देयर बाय वी कैन राइट, हम लोग एक प्लस लिखे वहां पे। तो सोडियम आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म सोडियम आयन। सिमिलरली क्लोरीन, Cl, एटॉमिक नंबर 17, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 17 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 17। ओके, सो क्लोरीन एटॉम अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, इट विल फॉर्म Cl माइनस। इसका मतलब क्लोरीन एटॉम और क्लोराइड आयन में क्या डिफरेंस हो गया? क्लोरीन एटॉम जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन था 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था 17, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया 18, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन में कोई चेंजेस नहीं होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया रहेगा 17 बट नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन हो गया कितना 18, तो कौन सा पार्टिकल का नंबर ज्यादा हो गया, कौन सा पार्टिकल का नंबर ज्यादा हो गया, प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स, कौन सा पार्टिकल का नंबर ज्यादा हो गया, प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स, आंसर इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन, एंड देयर बाय वन नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज को हम लोग वन यूनिट नेगेटिव चार्ज कंसीडर करते हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टू टाइप्स ऑफ आयंस, कैटायंस एंड एनायंस। एक एटॉम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और एटॉम्स विद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेड टू बी व्हाट, आयंस, या फिर मोर प्रॉपरली एटॉम्स और ग्रुप ऑफ एटॉम्स विद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कॉल्ड आयंस। और आयंस को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, कैटायंस एंड एनायंस। कैटायंस एंड एनायंस, कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। तो एक एटॉम जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो कौन सा आयन बनाएगा, इफ एन एटॉम लूजेस इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स व्हाट टाइप ऑफ आयंस, it forms cation. If an atom gains electron, it forms anions. If an atom gains electron, it forms anion. So I hope you have understood that process. अब इनका नाम ऐसा क्यों पड़ा है, cations को cations और anions को anion क्यों बोला जाता है, that we are going to discuss. Have you noted down everything from the screen? Okay. Now, अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का बात करूं, आपको याद होगा एक वेसल यूज होता है, उस वेसल में हम लोग एक सॉल्यूशन या एक सब्सटेंस का मॉल्टन स्टेट लेते हैं। कौन हमको बताएगा जो यहाँ पे सॉल्यूशन या मॉल्टन सब्सटेंस लिया जाता है उसको क्या बोला जाता है, एनी वन ऑफ यू? During electrolysis, जो vessel के अंदर जो molten substance या solutions लेंगे उनको क्या बोलेंगे, जो liquid लेंगे उसको क्या बोलेंगे, that liquid, that substance is called electrolyte. क्या कहेंगे इसको, electrolyte. और यहां पे इसके अंदर अगर हम लोग लेते हैं दो रॉड को, कंडक्टिंग मटेरियल का रॉड को अगर यहां सस्पेंड किया जाए, वन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल and other is connected to negative terminal, then this positive, इन दोनों को electrodes बोला जाता है एक साथ, जो positive electrode है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, the positive electrode is called what, wrong है सोनम आपका answer, positive electrode को क्या बोलेंगे, it is anode, and negative electrode is called cathode. कैथोड। और आप समझो यहाँ पे सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, सोडियम क्लोराइड को मोल्टन स्टेट में लिया गया था, इधर NaCl को जब आप मेल्ट कर देते हो तो वो आयोनाइज हो जाता है इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस, सोडियम आयन क्लोराइड आयन। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो पॉजिटिव आयन किस तरफ अट्रैक्ट होगा बता सकते हो, पॉजिटिव आयन किस तरफ अट्रैक्ट होगा, एनोड या कैथोड? हिमांशु का आंसर करेक्ट है, पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स कैथोड, नेगेटिव आयन अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स एनोड, इसीलिए पॉजिटिव आयन को हम लोग बोलते हैं कैटायन, इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैथोड, नेगेटिव आयन को हम लोग बोलते हैं एनायन, इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स व्हाट, एनोड। ओके, तो आपको ये आइडिया हो गया होगा पॉजिटिव आयन को कैटायन या नेगेटिव आयन को एनायन क्यों बोलते हैं, क्योंकि पॉजिटिव आयन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस कैथोड किससे अट्रैक्ट होता है या कैथोड की तरफ माइग्रेट करता है, और क्लोराइड आयन जो कि नेगेटिव आयन है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ये एनोड की तरफ माइग्रेट करता है। हैव यू अंडरस्टूड दिस?
तो अब हम लोग एक नया टॉपिक के बारे में बात करेंगे एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन ऑल्सो. और नेक्स्ट टॉपिक, हैव यू नोटेड डाउन एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रीन? ओके. जो नेक्स्ट टर्म हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. दैट इज व्हाट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है कि मुझे पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो ये भी पता चल जाएगा कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा. बिकॉज इन एन एटॉम नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑलवेज इक्वल होता है. तो सोडियम का जब आपको एटॉमिक नंबर पता चल गया तो प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी पता चल जाएगा. तो अब मुझे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन द अरेंजमेंट और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट शेल्स ऑफ एन एटॉम. एक एटॉम का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का उससे कोई लेना देना नहीं. एटॉम में जो पहला शेल होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट शेल इज कॉल्ड व्हाट? सोनम ने आंसर दिया है, इट इज के शेल. फर्स्ट शेल इज कॉल्ड के शेल. सेकेंड शेल इज कॉल्ड एल शेल एंड द थर्ड शेल इज कॉल्ड एम शेल. सो दिस वन इज के शेल. फर्स्ट वन इज के शेल. सेकेंड वन इज एल शेल. थर्ड वन एम शेल. ओके. तो इसका फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन होता है. कितना इलेक्ट्रॉन होता है फर्स्ट शेल? फर्स्ट शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? टू इलेक्ट्रॉन्स. तो वो दो इलेक्ट्रॉन यहां दिखा देते. फर्स्ट शेल में देयर आर टू इलेक्ट्रॉन्स, वन एंड टू. सेकेंड शेल में सोडियम एटम का केस में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट. एंड थर्ड शेल में वन. तो इसी को हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, इन के टू एल एट और एम वन. एंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन, दिस अरेंजमेंट is called what? Electronic configuration. This is called what? Electronic configuration. तो आपको अगर पूछा जाए define the term electronic configuration, it is the arrangement. It is the arrangement of electrons in the different shells. In the different shells of an atom, the arrangement of electrons in the different shells of an atom is called what? Electronic configuration. Or, आपको अगर atomic number पता है तो we will discuss in this chapter कुछ rules discuss करेंगे हम लोग. और उन rules को discuss करने के बाद you can easily write down electronic configuration. फिर भी मैं अभी 20 elements का electronic configuration आपको लिख के दिखाऊंगा. By that आपको पता ही चल जाएगा इजीली अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट शेल्स ऑफ एन एटॉम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और वो लिखने के लिए आपको एटॉमिक नंबर याद रखना होगा. आपको एटॉमिक नंबर याद रखना होगा. सो मैं अगर आपको बता दूं यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो के एल और एम शेल का अगर बात करें, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1, के में 1. हीलियम एटॉमिक नंबर 2, हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम
lithium, hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. Then sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium, and calcium. So helium ka hoga yahan pe 2, lithium 2-1, beryllium 2-2, boron 2-3, carbon 2-4, nitrogen 2-5, oxygen 2-6, fluorine 2-7, neon 2-8. अब सोडियम से लेके कैल्शियम तक के एल एम एन, तो सोडियम का है 281, एटॉमिक नंबर 11 है. मैग्नीशियम 282, एल्यूमिनियम 283, देन सिलिकॉन, सिलिकॉन इट इज 284, फॉस्फोरस 285, सल्फर 286, क्लोरीन 287, आर्गन 288, पोटाशियम 2881 एंड कैल्शियम 2882. तो अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, जैसे मैं यहाँ पे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखता हूँ तो कैसे लिखूंगा, के एल एम 281. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या बताता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ये बताता है कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट शेल्स ऑफ एन एटॉम, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट शेल्स ऑफ एन एटॉम. ओके, तो आपको अगर पूछा जाए एम शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है सोडियम का, सोडियम का एम शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 1. और आप एक चीज और जान लो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है, वैलेंस शेल किसको बोलते हैं हम लोग. वैलेंस शेल होता है द आउटर मोस्ट शेल, इट इज द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटॉम ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एटॉम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड व्हाट, वैलेंस शेल. और एक और इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ओके, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल आर कॉल्ड व्हाट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. So, have you noted down the two terms? और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप नोट डाउन कर लो अच्छा से. फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का आपको जानना ही होगा. ओके, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट 20 एलिमेंट सीरियली याद भी रखना है आपको, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम एंड कैल्शियम. ओके, जस्ट नोट डाउन एवरीथिंग. दोनों इंपॉर्टेंट टर्म आपने नोट डाउन किया होगा. सो आई एम मूविंग टू अनदर स्क्रीन. ओके, उत्सव ने पूछा व्हाट्स द वेलोसिटी ऑफ एन एटॉम. एटॉम के लिए वैसे कोई स्पेसिफिक वेलोसिटी कोई मेंशन किया हुआ नहीं है. एटॉम रेस्ट में भी हो सकता है, वो तो मूव करवाने से इट विल मूव. अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बात करेंगे, उससे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट इनर्ट गैसेस. इनर्ट गैसेस आर आल्सो कॉल्ड नोबल गैसेस. इनको इनर्ट गैस या नोबल गैस क्यों बोला जाता है? बिकॉज दीज गैसेस
These gases do not take part in chemical reaction. These gases do not take part in chemical reaction. अब ये कौन कौन सा गैस है जिनको नोबल गैस हम लोग बोलते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन. हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसको याद रखने का एक टेक्निक बता देता हूं मैं आपको. 2 में आप 8 प्लस करो तो कितना होगा? 10. 10 में 8 प्लस करो तो कितना होगा? 18. 18 में वापस 18 प्लस करो तो कितना होगा? 36. 36 में आप 36 में आप अगर वापस 18 ऐड करते हो, 36 में आप अगर वापस 18 ऐड करते हो तो ये होगा 54. 54 में 32 ऐड करो तो कितना होगा? 86. सो आपको अगर याद रखना है तो ऐसे भी याद रख सकते हो नोबल गैस का स्पेशली. तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLMNOP, ऐसे आप शेल्स नोट डाउन कर सकते हो. ठीक है, उससे पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ स्पेसिफिक एटम. वैलेंसी कैलकुलेट करने का तरीका है जो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे. उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन का नॉलेज आपको होना होगा और चैप्टर में आएगा तो आपको पता चल जाएगा. हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन 28, आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन 288, क्रिप्टॉन का कॉन्फ़िगरेशन 28188, ज़ेनॉन का 281888 एंड रेडॉन 281832188. आप देखो यहाँ पे सभी नोबल गैसेस का आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है. सभी नोबल गैसेस का आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? सभी नोबल गैसेस का आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 8. और हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, इस कंडीशन को बोला जाता है ऑक्टेट. जितना भी एटॉम्स है नोबल गैसेस को छोड़ के, वो सभी ऑक्टेट एक्वायर करने के लिए रिएक्शन में पार्ट लेता है. Once they acquire octate, they acquire stability. So atoms of all other gases, all other elements take part in chemical reaction to acquire the electronic configuration of nearest noble gas, ya to octate, or having 2 electrons in the outermost K shell. Is condition ko bola jata hai duplet. Is condition ko kya bolenge hum log? Duplet. So having 8 electrons in the outermost shell is called what? Octate. And having 2 electrons in the outermost K shell is called what? Duplet. Okay? So aaj ke liye is particular class mein sufficient discussion ho gaya. You just mark your attendance and you can leave the class. Lekin aap agar class mein rukoge to aapko 2-3 question pucha ja sakta hai. If you have any other class, you can leave. Or you can stay for some time. Ek question round hoga.